हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और संस्कृत भाषा में लिखी गई ये भगवद गीता अब तक विश्व की 175 से अधिक भाषा में अनुवादित हो चुकी है। इसमें न सिर्फ मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में ज्ञान दिया गया है, अभी तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका भी व्यावहारिक समाधान बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज एकादशी कथा में मैं भगवद गीता की बात क्यों कर रही हूँ, है ना? तो ये इसलिए क्योंकि आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं जो कि इस वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए इस खुशखबरी को सुनने से पहले हम अपनी एकादशी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारे काल यंत्र की सवारी अब उतरने जा रही है सीधे युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ, परम पिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और सभी कारणों के कारण हैं। आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतिला एकादशी के विषय में बताया है। हे दीनानाथ, अब कृपया मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है? मदन मोहन श्री कृष्ण ने मंद स्मित करते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, भूत के शरीर में रहने वाले जीवात्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित ये कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्पदंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण करते। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवन के साथ वहां उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियाँ आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट रूप से मुझे दिख रही है। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतो। इंद्रदेव के ये कठोर वचन सुनकर माल्यवन और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर नंदन वन से पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखरों पर आ पहुंचे। वहां जाते ही उनकी स्वाद, स्पर्श, गंध, ये तमाम संवेदनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था और इस प्रकार वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठे रहे। उस दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे।
सौभाग्य से वह दिन भैमी एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाए पिए बिना जो उपवास किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर शाप से मुक्ति प्राप्त हो गई? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवन ने कहा, हे राजन, यह केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय भैमी एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात सुकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया। ये सुनकर देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए भी अब पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्ग लोक में पुनः स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी भैमी एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है और जो व्यक्ति भैमी एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पालन कैसे करें। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न भोजन ग्रहण ना करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। यह आरती आप अपने घर पर या फिर नज़दीक के मंदिर में कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष आसन पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। यह मंत्र आप सभी जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन उपवास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण निर्जल उपवास जिसमें अन्न या जल नहीं लिया जाता, या फिर केवल जल के साथ, या जल दूध और फल के साथ, या फिर एकादशी प्रसाद दूध फल इत्यादि के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का भोजन में प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। व्यर्थ की चर्चा, निंदा, झूठ इत्यादि से बचें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर भगवान की मंगला आरती या दर्शन करें और व्रत पारण के समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस दिन यदि संभव हो तो वैष्णव या ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। और अब बारी है आप सबके लिए एक खुशखबरी की। पिछले साल गीता जयंती के अवसर पर आप सभी ने भगवद गीता वितरण और भगवद गीता दान देने के लिए हमारा जो सहयोग किया उसके लिए हम आपके हृदय पूर्वक आभारी हैं। और अब बारी है भगवद गीता अध्ययन की। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं आत्मसात 18 सत्र का भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स। हो सकता है शायद आपको अपने व्यस्त जीवन में संपूर्ण भगवद गीता पढ़ने का समय ना मिल रहा हो, लेकिन आप उसमें दिए गए महत्वपूर्ण संदेश को जानना और समझना भी चाहते हो, तो उपदेशाष्टकम आपके लिए लेकर आया है आत्मसात। 18 सत्र का यह कोर्स केवल 18 से 35 वर्ष की युवा महिलाओं के लिए है। ये कोर्स ऑनलाइन होगा जो कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ ही वह आपके भौतिक जीवन में भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में अधिकतर सफल लोगों ने भगवद गीता के द्वारा ही सफलता प्राप्त की है, तो क्या ऐसे सफल लोगों की सूची में आप अपना नाम जोड़ना नहीं चाहेंगे? तो चलिए जल्दी से इस ऑनलाइन भगवद गीता कोर्स आत्मसात के लिए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और ऐसा अवसर
शायद ही आपको दोबारा मिले। कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करने के साथ साथ इस बार आत्मसात के माध्यम से इस एकादशी पर श्री कृष्ण को हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा।